हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का इंट्रोडक्शन होगा और ये हमारा नया चैप्टर होगा, तो इसको आप ध्यान से देखें। और ये इसमें हम जो करेंगे आरएस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेते हैं, कुछ डिफिनेशन है। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड किसे कहते हैं? द बॉडीज ऑक्यूपाइज ए स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। यानी कोई भी ऐसा बॉडी जो कुछ स्पेस को घेरे, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड है। ये तो सिंपल डिफिनेशन था। सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और जो भी स्पेस, मान लीजिए कि हम एक सर्कल लेते हैं तो इतना स्पेस घिरा, एक रेक्टेंगल लेते हैं तो ये स्पेस घिरा, एक स्क्वायर लेते हैं तो ये स्पेस घिरेगा। तो जो भी उस बॉडी के द्वारा स्पेस को एब्जर्व किया जाता है, उसको घेरा जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। थर्ड देखेंगे क्यूबॉइड। अ सॉलिड बाउंडेड बाई सिक्स रेक्टेंगुलर फेस इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड। तो यहां पे है क्यूबॉइड और नीचे है क्यूब। तो एक ऐसा सॉलिड जिसमें सिक्स रेक्टेंगुलर बॉडी जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में सिक्स फेस होते हैं, 12 एड्स होते हैं और 8 वर्टिक्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 12 एड्स होते हैं और 8 वर्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूब। तो क्यूब में भी आपका सारे जो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, बस फर्क यही होता है इसमें, सारे जो इसका हाइट, बेस और इसका ब्रेथ जो होता है वो सारे इक्वल होते हैं। तो देखेंगे क्यूब। अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, डेफिनेशन इसका, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड ए क्यूब। मतलब वैसा क्यूबॉइड जिसमें उसका लेंथ, ब्रेथ और उसका हाइट जब तीनों इक्वल हो, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब। तो आप इस डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, और इसका यूनिट होगा वो क्यूब यूनिट होगा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी यूनिट दिया रहेगा उसका क्यूब होगा। सेकेंड नंबर है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका यूनिट जो भी रहेगा वो यूनिट ही रहेगा, जैसे सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो। थर्ड नंबर है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और इसका जो यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट होगा। फोर्थ नंबर फार्मूला देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। और फाइव नंबर फार्मूला है एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ ए रूम, यानी चार दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे दोनों जो फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल, ये दोनों इक्वल ही होता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्यूब। तो क्यूब में चार फॉर्मूला होगा। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, और इसका जो यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट होगा। सेकेंड हो जाएगा डायगोनल ऑफ द क्यूब इक्वल टू अंडर रूट 3 ए यूनिट, अंडर रूट 3 ए यूनिट, और ए जो होगा हमारा साइड होगा, जो भी साइड गिवन होगा। थर्ड नंबर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 6 ए स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। और फोर लास्ट नंबर फॉर्मूला जो होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 4 ए स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे सिलेंडर। तो इसमें तीन फॉर्मूला होगा। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का जो वैल्यू होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है 22/7, और इसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, यानी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। और सिलेंडर का जो पिक्चर होता है वो हमारा ये है, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा आर, हाइट एंड रेडियस। सेकेंड फार्मूला है कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, फार्मूला होता है 2πRh, और इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। थर्ड नंबर फार्मूला है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोला जाए तो उसमें दो चीज ऐड होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया जो कि ऊपर हम फॉर्मूला लिखवा है, और 2 इंटू बेस एरिया। तो बेस एरिया, ये दोनों जो बेस है ये ऐड हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh, और जो एक बेस होता है वो सर्कल टाइप का होता है इस टाइप का, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी टोटल जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से 2πR कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे एच, यहाँ से 2πR कॉमन ले लिए एच प्लस आर, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।
अब हम देखेंगे हॉलो सिलेंडर, तो इसमें भी तीन फॉर्मूला होगा। फर्स्ट जो है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी जो भी मटेरियल हमारे पास गिवन है उसका जब वॉल्यूम पूछेगा तो सबसे पहले एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम करेंगे, यानी बाहर वाले का वॉल्यूम में से अंदर वाला जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, और यहाँ पे दोनों का जो आर होगा वो डिफरेंस होगा, इसलिए हम बड़ा आर और छोटा आर से डिनोट किए हैं। सेकेंड फार्मूला जो होगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू एक्सटेरियर सरफेस माइनस इंटेरियर सरफेस, यानी इसका जो फार्मूला होगा 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, और यहाँ पर भी जो आर होगा दोनों का डिफरेंस होगा, यूनिट जो हो जाएगा स्क्वायर यूनिट होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग, यानी दो को जो बेस है इसका एरिया। तो कर्व सरफेस का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिखे हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ पे दोनों को प्लस कर लेंगे, उसके बाद प्लस पाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और जो भी आर होगा ये दोनों डिफरेंस होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन जो है ये हमारा ये है, ये रेडियस हाइट और ये स्लेंट हाइट। तो सबसे पहले जो एल का फॉर्मूला होता है स्लेंट हाइट, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर जो ये स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो अंदर रूट हो जाएगा, यानी एल इक्वल टू अंदर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसमें हमारे पास तीन फार्मूला होगा, फर्स्ट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट यहाँ पे होगा। सेकेंड जो है एरिया ऑफ कर्व सरफेस इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर एल स्क्वायर यूनिट, और एल का जो फार्मूला है वो हम ऑलरेडी पहले यहाँ पे लिख चुके हैं। थर्ड नंबर जो है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द कर्व सरफेस फार्मूला अभी ऊपर हम लिखे हैं पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे वन ही बेस है, एक बेस है इसका, इसलिए हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और जब दोनों को हम पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस आर। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे स्पेयर से रिलेटेड फार्मूला, तो इसमें दो फार्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू यूनिट हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट, और स्पेयर का जो फिगर है ये है। सेकंड फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, और स्पेरिकल सेल जो होता है उसका एक ही फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, जहाँ पे आर जो होगा ये दोनों डिफरेंस होगा, इसलिए इसको हम बड़ा आर और छोटा आर से डिफरेंट इंडिकेट किए हैं, और इसका जो यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे हेमिस्फीयर, जिसमें तीन फार्मूला होगा। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू यूनिट जो होगा क्यूबिक यूनिट होगा। सेकेंड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट जो होगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और लास्ट जो है हेमिस्फीयर का थर्ड नंबर फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका यूनिट जो होगा स्क्वायर यूनिट होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।